बड़ी बात यह है कि कोई पहली बार थोड़ी इसमें संशोधन हो रहा है, इससे इसमें संशोधन पहले भी हो चुके हैं। संशोधन मोदी जी ने क्यों किया? मसला यही मतलब अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूं, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कहूं मोहम्मद आजम साहब, आपको बिल से समस्या नहीं है, बिल लाने वाले से समस्या है कि ये बिल कैसे लेकर आ गए। असली समस्या तो इस बात की है आजम साहब। दरअसल आदिल जी थोड़ा समय दीजिएगा, पूरे उसमें मसले को पूरे इम्पैक्ट में समझने को तैयार ही नहीं है। हर आदमी का अपना एंगल है। हाफिज सरवर गुलाम साहब जो बैठे हैं वो बता दें, किसी वक्त संपत्ति को बचाने के लिए क्या उन्होंने कोई संघर्ष किया क्या? आजम साहब एक बात बोलो, लेक्चर तो दे रहे हैं आजम साहब, एक बात बोलो, उनके आपको मेरी बात बहुत चुभ जाएगी, मेरी बात बहुत चुभ जाएगी गुलाम सरवर साहब, लेकिन सुनिए आजम साहब, बहुत चुभेगी आपको मेरी बात। भले ही ये मामला अलग हो, लेकिन आप ही के नाम के साहब के पास संपत्तियां कितनी और कहां से आई और कैसे कैसे कब्जाई गई, वो मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल यही चाहते हैं आप। जौहर विश्वविद्यालय खोलने के लिए जो भी वैधानिक जरूरतें थी उसको पूरा कर, और ये बात अदालत को समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय खोलने के लिए। ये भी एक राजनीतिक द्वेष है जो भाजपा, राजनीतिक द्वेष है या राजनीतिक फायदे के लिए प्रोपेगेंडा फिर से सेट करने की कोशिश है आजम साहब, ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। बोलिएगा गुलाम सरवर जल्दी। आज मैं आईटीओ पर एक ठंडा पी रहा था किसी दुकान में, उस दुकानदार ने कहा कि मैं YouTube और वीडियो आपके देखता हूँ, आप किसी दल में क्यों नहीं चले जाते हैं, इतना अच्छा आप बोलते हैं वगैरह वगैरह, अपनी तारीफ मैंने कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जिस दल में चला जाऊंगा उस दल का गुलाम हो जाऊंगा। आजम साहब बुरा नहीं मानेंगे, हाफिज गुलाम सरवर मेरा नाम है, फिर से सर्च कर लेंगे, दिल्ली की धरती पे हमसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करने वाला कोई चेहरा ही नहीं है जो जंतर मंतर मंडी हाउस सुप्रीम कोर्ट और तमाम मुद्दे और बात पर माफ करेंगे। आजम साहब आप चूके पार्टी के नेता हैं और आपके नाम के तो दूसरे नेता बड़े साहब जो अभी जेल में है उनके घर भी मैं गया हूँ और उनके उनका सर्वे भी किया हूँ, जवाहर यूनिवर्सिटी का भी कच्चा सवाल है और उसके हाल रुपए बेटे की आई है समाजवादी पार्टी के लोग ही आ रहे हैं वहाँ भी, इसलिए ये मुस्लिम की जो राजनीति आप छोड़े जो भाजपा की राजनीति छोड़िए, आप परिक्रमा कीजिए अल्लाह के रास्ते मुसलमान को बख्श दीजिए। अगर कोई भी सरकार मुसलमान के लिए कोई निर्णय लेती है उसे लेने दीजिए, आपत्तियां जब सामने आई आप बताइए, परफेक्ट हम लोग जवाब देंगे, सरकार को हम देंगे ड्राफ्ट, आप सारे लोग देंगे, आप अखिलेश जी की पॉलिसी पर आगे बढ़िए। नहीं और उसमें भी नहीं नहीं और उसमें भी उसमें भी उसमें भी गुलाम सरवर साहब, आजम साहब सुनिए, उसमें भी लगातार आज किरण रिजिजू ने इस बात का जिक्र किया कि कल देर रात मेरी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। क्या उन्होंने बोहरा समुदाय के केस का जिक्र नहीं किया, तिरुचिरापल्ली के केस का जिक्र नहीं किया? किस तरीके से आदमी अपनी जमीन बेचने जाता है और उसको अचानक से पता चलता है कि अरे ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, मतलब अपनी जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब हो गई? अल्लाह के नाम दी नहीं, अल्लाह के नाम दी नहीं उस आदमी ने, लेकिन वो जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की, कैसे हो गई साहब उस आदमी को खुद नहीं पता। ट्रिब्यूनल का चक्कर काटता रहे काटता रहे काटता रहे, उम्र बीत जाए लेकिन उसकी जमीन उसको वापस नहीं मिलेगी। नंबर के साथ बताया है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो पूरी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का वाकया मैंने टीवी चैनल पर बताया, वक्फ नंबर के साथ घटना बताया, लखनऊ की घटना बताया। अगर मैं भागदौड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर मीडिएट नहीं कर रहा हूँ तो ये घटनाएं हमारे पास कैसे आ रही है? सारे फाइल हमारे पास है और खुला लूट जो हो रहा है, ये लूट की छूट किसने दी? लूट की छूट किसने दी? ये सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करके मुट्ठी भर मुसलमानों को लाभ दिया गया, मुट्ठी भर मुसलमानों को लाभ दिया गया। ये लाभ गरीब मुसलमानों को मिल रहा था। वक्त का उद्देश्य है गरीब यतीम बेवा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए है। और हो रहा है क्या वैसा? ये गरीब लोग जो है असल में हो नहीं पा रहा ना, सेक्शन ने इसका फायदा ले लिया और सब लोग खामोश। और फिर कहते हैं कि 14 और 19 के खिलाफ है वक्फ एक्ट के, फिर उसके बाद उसका हवाला देते हैं, लेकिन जो उसका असली मायना था, जो उसके गठन का आधार था, आपने उसको तो पूरी तरह से सिफर कर दिया ना, वो हो ही नहीं पाया। बहरहाल प्रभात रंजन जी के पास में आऊंगा। आदिल हसन साहब जो भी इंक्रोचमेंट छुटा दे, जो भी गलत किया भ्रष्टाचारी को जेल भेज दे,
इतनी मोदी सरकार को मोहब्बत है मुसलमानों से, तो हज कमेटी में जो भ्रष्टाचार है उसकी सीबीआई जांच करा दे, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास वन से शुरू होनी चाहिए वो 9-10 से उसको शुरू करा दे क्लास वन से, और अंटीलिया जो मुकेश अंबानी कब्जा किए वो दिलवा दे। भाई इनके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोदी जी शादी में जाते हैं पूरा गले लगते हैं। अगर मुसलमानों का बजट बढ़ा दे, जामिया का और अलीगढ़ का बीएचयू की तरह बजट बढ़ा दे, सिर्फ दिखावा क्यों करते हैं पार्लियामेंट में, जब एक जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, बुद्धिस्ट एंडोमेंट बोर्ड में, सिख एंडोमेंट बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते, तो विभव बोर्ड में हम नॉन मुस्लिम है क्यों ला रहे हैं? ये आप फसाद कराना चाहते हैं। आपकी समस्या क्या है इससे हसन साहब, एग्जैक्ट समस्या बताइए मुझे। आप सुनिए, नमाज पढ़ने का तरीका, मैडम आप एंकर हैं, आप जर्नलिज्म में एक्सपर्ट हैं। अब कोई आदमी कोई पेंटर को ला दिया जाएगा तो वो पेंटिंग करेगा ना, जर्नलिज्म नहीं ना कर सकता है? जिसकी जो संपत्ति है वही संपत्ति चलाएगा, जबरदस्ती दूसरे को क्यों लाया जा रहा है? या पता है आपने तय कर लिया कि सारी संपत्ति उन्हीं लोगों की है? मैडम ये संपत्ति सरकारी होती है, ये किसी के पिताजी की नहीं है। लेकिन रहती तो अंडर कंट्रोल वर्क्स बोर्ड के है ना, अंडर कंट्रोल किसके रहती है? अंडर कंट्रोल किसके रहती है? अंडर कंट्रोल किसके रहती है? तो उसकी मॉनिटरिंग अगर अधिकारी लेवल का आदमी करेगा तो क्या समस्या है? मैम अधिकारी पहले भी यह रहता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर सीईओ रहता है, कोई क्लर्क नहीं रहता है। तो नहीं आपको मैंने आपसे पूछा कि एग्जैक्ट समस्या किस बात की है? आप इसमें गैर मुस्लिम कोई शामिल हो जाएगा तो आपको इस बात से समस्या है, मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे, वक्फ बोर्ड का जो सोल राइट है हर एक डिसीजन पर वो छिन जाएगा क्योंकि कोई ऊपर बैठा देख रहा है, इससे समस्या, ये मनमानी नहीं कर पाएंगे आप, सबसे बड़ी समस्या इस बात से। सुनिए पूर्णिमा जी, चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में आप इसका इंक्रोचमेंट की जांच करवा लीजिए, करप्शन की जांच करा लीजिए, हम उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन आप ऐसा कानून मत लाइए जिसमें आप सिर्फ फंसाने वाला फसाद कराने वाला कर रहे हैं। आप चीफ जस्टिस से करवाइए ना जांच, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं लाइए जिसमें फसाद हो, जिसमें लड़ाई हो, जिसमें जबरदस्ती लोग कंफ्यूजन पैदा करें। रंजन जी ये कौन सा फसाद सरकार खड़ा कर रही है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही है? इनसे पूछिए कि बिहार में वक्फ बोर्ड को चेयरमैन को राजमंत्री का दर्जा क्यों नहीं मिला, पूछिए। ठीक है जवाब देने दीजिए। क्योंकि क्योंकि आगा बोरा जो संप्रदाय के लोग हैं अब इसके विरोध में है, कह रहे हैं कि यह जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है हम लोगों के साथ न्याय नहीं करती, हमारे जमीनों पे वह कब्जा करती है और कहती है कि यह जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, ना इसे आप बेच सकते हैं ना इसके ऊपर आप अपना कोई संस्थान खड़ा कर सकते। यह जो संशोधन लाया गया है आगा खान जब कल के लिए मिलाया जाता है, उनकी भी भरपूर शिकायत है। बिहार का बताइए ना, बिहार में चेयरमैन को राजमंत्री का दर्जा क्यों नहीं मिला? भाई आपको मंत्री बनना है या लोगों के साथ न्याय करना है, पहले ये बता दीजिए। हिंदू न्याय बोर्ड को मिला और बिहार में वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं मिला? नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया? बताइए क्या उन गरीब छात्रों ने क्यों नाइंसाफी की है? आदिल साहब फिर जब जांच होगी ना तो पूरे आपके हैदराबाद में जमीनें किस किस के पास हैं, कितनी कितनी जमीन है, हम हैदराबाद में हम तैयार हैं सब जांच के लिए। फिर जांच में फिर वो भी बात सामने आएगी मैम, हैदराबाद में जांच में फिर वो भी बात सामने आएगी। औने पौने दाम में जमीनें बेच देना, उसका प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लेना, ये सब कुछ क्या अनियमितताएं नहीं हुई? और मैं कह रही हूँ कि क्यों आप कहते हैं कि बाद में कार्रवाई करे ना, गिरफ्तार करे क्या? अरे उससे पहले क्यों ये सब अनियमितताएं हुई? इस्लाम में हराम होने के बावजूद वो भेजा पैसा अपनी जेब में क्यों डाला गया? उसका जहां पर इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर क्यों नहीं हुआ? सिर्फ 200 करोड़ की इनकम क्यों है, इतनी लाख संपत्ति होने के बावजूद भी? बात है ये लोग अपने ऊपर अंकुश नहीं रखना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि सरकारी नियंत्रण किसी भी तरीका से ना रहे, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी जब इनका बोर्ड ट्रिब्यूनल अगर कोई फैसला दे दे उसपे ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई बनाता है, कोई कलर नहीं, यानी लोग वहां भी नहीं जा पाते हैं, नहीं जा सकते या इस ट्रिब्यूनल का तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा गया वही देखा गया। सच्चर कमेटी ने साफ साफ कही हजारों करोड़ एकड़ का जमीन, हजारों करोड़ का जमीन बोर्ड के पास है, अगर वह चाहे तो मुस्लिम संप्रदाय का पूरी तरह से गरीबी दूर किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली रखेंगे जवाब, अंतिम के मेरे पास सर 3-4 मिनट बाकी है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आते हुए, आप ये सोचिए कि इसमें तो अधिकारों को बढ़ावा दिया जाना है ना, किसी के अधिकार छीने थोड़ी जा रहे हैं। पहले किसी भी तरीके की अगर कोई आपत्ति होती थी तो सिर्फ आप ट्रिब्यूनल जा सकते थे, अब तो अच्छी बात यह कि आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। कुल
मिलाकर जो बदलाव किए जा रहे हैं वो तो फैसलों को बढ़ाने वाले बदलाव है ना। वेलकम कर लीजिए सर, या सिर्फ मोदी सरकार लेकर आई है इसीलिए विरोध कर देना है और ये कहना है कि मुसलमानों को डरा रही है सरकार। देखिए पूर्णिमा जी, आपकी बात का जवाब इस बात से आता है कि भाजपा को जो बिल लेके आ रही है उसके अंदर सर्चर कमेटी वाली रिपोर्ट की बात आ रही है। हाँ। यानी माने ये हुआ कि भाजपा जो बिल पेश करने जा रही है वो कांग्रेस का बिल है, वो भाजपा का बिल नहीं है। और भाजपा का अगर बिल होता तो भाजपा के सांसद जिन प्रवृत्ति के साथ सदन के अंदर बैठ के एक सांसद के प्रति भावना रखते हैं वो तो उनका मुस्लिम प्रेम जग जागृत है, जिगता है। अब पहले तो ये डिसाइड कर लें भाजपा के नेता प्रवक्ता की ये बिल वो ला रहे हैं या वो कांग्रेस के द्वारा संशोधन करे हुए बिल को लेके आ रहे हैं। पहले तो करेक्ट कर लें ये ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये अभी तक करेक्ट नहीं कर पाए हैं कि ये बिल हम लेके आ रहे हैं, मोदी जी लेके आ रहे हैं। इनको लगता अभी तो ये आप कहना चाहते हो समझ नहीं पाए, तय नहीं कर पाए। मैं तो समझ गया हूँ, तभी तो मैंने जवाब बोला ना, इसी में उलझे रही है, इसी में उलझे रही है। मैं उनके पास जाऊंगी तो वो भी बोलेंगे और वो बहुत लेट कनेक्ट हुए, गोस्वामी जी को बोलने नहीं दे रहे साहब, इसीलिए शुरुआत आपसे की थी। उनके पास मैं जाऊंगी तो वो बोलेंगे। प्रमोद जी जवाब दे दीजिए जरा, प्रमोद जी जवाब दे दीजिए इनके काउंटर का क्विकली। आप देखिए ये जो संशोधन है ये इसकी मांग जो है वो मुस्लिम समुदाय के बीच से उठी थी। बोरा कमेटी जो है उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। बाकी हमारे जो कांग्रेस के मित्र है वो कह रहे थे कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके जो सिफारिश है उसको इसमें अमल में लाया जाए, तो अगर सच्चर कमेटी की सिफारिश को अमल में लिया जा रहा है और सच्चर कमेटी आप ही ने गठित की थी तो आपको इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, फिर आप खुल करके बोलिए। नहीं ये तो आपको एक्सप्लेन करना है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप उस नीति पे जा रहे हैं या अपनी नीति लेके आ रहे हैं। आप सदन के अंदर एक चुने हुए नुमाइंदे को आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपके सांसद, और वहीं आप बोर्ड के अंदर ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के प्रति तो विभाजनकारी नीति और ध्रुवीकरण की नीति तो तुष्टिकरण की राजनीति किस तरीके से कब से हो रही है। आपको मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ, जल्दी से रिपोर्ट की चिंता करिए बॉस। मैं आपको चंद्रमोहन जी बताऊं, जितनी संपत्तियां वक्फ को दान की गई उसमें पिछले 30 से 40 सालों में सर बहुत गिरावट दर्ज हुई है। सर पिछले 30 से 40 सालों में बहुत गिरावट दर्ज हुई है। क्यों ऐसा हो गया कि अल्लाह के नाम पर जो लोग जमीन को दान दे देते थे अब उनकी संख्या ना के बराबर हो गई है, बहुत कम हो गया। क्यों 10 साल लग गए इनको इसी बात के ऊपर? अरे ले आए ना, तीसरी बार सरकार ने इन्होंने ही बना ली, जो लेकर आते हैं उसका विरोध करते हैं। जेपीसी के पास जा रही है उसमें आप खुश नहीं हैं कि एक चुने हुए सांसद को एक चुनाव सांसद बड़ी सदन के अंदर पानी चप कह रहा है। गुलाम सरवर साहब एक क्लोजिंग कमेंट। चंद्रमोहन जी क्या विपक्ष कोई बेहतर सलाह नहीं दे सकता है, केवल विरोध ही कर सकता है? अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट है कमेटी के अंदर, मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई ड्राफ्ट की चर्चा पेश कीजिए, आप तो जेपीसी में आपको भी मौका मिलेगा ना, तो आप उसमें बात रखिए। जिन बिंदुओं की ओर आदिल साहब ने इशारा किया है आप उस बिंदु को उठाइए ना। अच्छा, आजम साहब चाहते क्या? आजम साहब की बात 30 सेकंड सुनूंगी मैं। आजम साहब जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात। रिजर्वेशन देने जा रही है, सच्चर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए उनके उत्थान के लिए। तो पूछ लीजिए कांग्रेस से 10 अगस्त 1950 को इन्होंने क्या खेल खेला था। सुनिए ठीक है सर, मेरे पास समय बहुत कम है। हर्ष जल्दी से आपसे एक 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट लूंगी। अधिकारों के लिहाज से और केसेस के लिहाज से ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल कोर्ट हाई कोर्ट जाने की जो अब अधिकार इसमें बढ़ते हुए नजर आई है एक तरीके से बेहतर कदम है, क्योंकि ये समझ ही नहीं आता आदमी को कि ट्रिब्यूनल से अगर रिजेक्ट हो गया और उनके हक में फैसला नहीं आया तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे। तो ये तो बहुत अच्छा स्टैंड उसमें लिया गया है, शामिल किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा वेलकम स्टेप है पूर्णिमा जी, और इसका मुस्लिम समाज को भी हिंदू समाज को भी सभी समाजों को इसका बहुत ही एक वेलकम करना चाहिए कि ऐसा इसमें अमेंडमेंट लेके आया जा रहा है। और इससे सबसे ज्यादा मुसलमानों के गरीब तबके को फायदा होगा कि इस पे जो ओवरसाइट आएगी, जो इसका सही तरीके से संचालन होगा, जो एक सिर्फ ये अब ये एक पावरफुल और पावरलेस की एक संघर्ष है कि कुछ पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड को कैप्चर जो किया हुआ था, अब इसमें सभी समाजों की मुसलमान के सभी समाजों की प्रतिनिधित्व होगा और गरीबों तक उसका जन कल्याण पहुंचेगा। दो गैर मुस्लिम भी होंगे साहब, दो महिलाएं भी इसमें शामिल रहेंगी।